सर दिखाएं आज आप कौन से बिजनेस बताने वाले हैं। मैम बिजनेस से पहले ना अपना गोदाम में लेकर आया हूँ। गोदाम में आप पहले तो चेक करो रॉ मटेरियल जी, आपके सामने देख रहे हो लाइन पे लाइन, ये देख रहे हो रॉ मटेरियल भरो पूरा भरा हुआ है, एक चीज में भी किसी चीज में कमी नहीं है। रॉ मटेरियल देख रहे हो लाइन में। इसमें पहले तो मैं प्रोडक्ट की बात करूँ, तो प्रोडक्ट की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 3.5 रुपए से चालू हो जाते हैं प्रोडक्ट। 3.5 रुपए से, सिर्फ 3.5 रुपए से प्रोडक्ट चालू हो जाता है। लोग कहते हैं कि भैया एक बार मशीन, ये एक बार मटेरियल, हमें मटेरियल बार बार कैसे मिलेगा, एक बार आपने दे दिया तो दोबारा कौन देगा, दोबारा भी हमारे पास से मिलेगा। अब ये देखो रॉ मटेरियल हमारा पैक हो रहा है, ये सिर्फ रॉ मटेरियल किसी ने लिया वो भी पैक हो रहा है। बिल्कुल रॉ मटेरियल बार बार भी हमारे पास मिलेगा, क्योंकि ये जितना आप रॉ मटेरियल देख रहे हो मशीन के साथ, तो बंदा स्टार्ट करेगा तो 100 ले लेगा, 200 ले लेगा, 500 ले लेगा, तो उसके जो बाद में चाहिए होता ना उसके लिए। अब ये 520 का तो मटेरियल नहीं पड़ा ना, उससे ज्यादा ही पड़ा है। आप देख रहे हो ये 520 से ज्यादा का पड़ा है, तो ये इसलिए इतना माल रखा हुआ कि बंदे को रेगुलर माल मिलता रहे, ताकि दिक्कत ना आए। क्योंकि बंदा कहता है भैया 3.5 रुपए की चीज दिखा दी, हमें माल कौन देगा, तो माल ये रहता है 3.5 रुपए का। जैसे आपने बताया उसको मार्केट में कितने में सेल करेंगे, 3.5 रुपए की चीज आराम से 50-50 रुपए की बिक्री आराम से। अच्छा प्रॉफिट है, बिल्कुल जी काफी अच्छा प्रॉफिट है। तो सर नेक्स्ट मशीन कौन सी होने वाली है और इसमें मटेरियल क्या क्या लगेगा? मैम मटेरियल नेक्स्ट मशीन आपके सामने ये है, ये तो वही वाली मशीन है जो आपने देखी है। हाँ। ठीक है, अब इसको और इसको दोनों को यूज करके प्रोडक्ट बनेगा। पहले हमने सिर्फ इसको यूज करके एक प्रोडक्ट बना के दिखाया था। अब सेकंड प्रोडक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले ये शीट्स। शीट को हमने इसके अंदर डाल दिया, डालने के बाद हमने क्या करेंगे, ये देख रहे हो ये हाथ, जैसे आपने प्रेशर लगाया था आप ही लगा दो, लोगों को पता चल जाएगा कोई भी यूज कर सकता है। सिर्फ दबा देना, हाँ सिर्फ दबा देना, हाँ बस और दबा दो, बस दब गया। हाँ। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। हमने ये प्रोडक्ट निकाला, अब उससे क्या होगा, हमारे पास ऐसा एक पीस तैयार हो गया, पीस तैयार हो गया, हमने ये लिया ये फ्रेम। ये फ्रेम के बाद हमने क्या करा, इसके अंदर ये पीस को फंसा दिया, हटा था उसको हमने इसमें लगा दिया। अब उसके बाद क्या करना है, ये देख रहे ये लॉक्स होते हैं, ये लॉक्स हमने ये जो आपको देख रहे हो ये सब में लगा देने हैं। जो हमने मॉप बनाया था उसके लिए हमने ऐसे डाई रखी थी, इसको ही डाई को हम उल्टी कर देंगे। उल्टी करने के बाद क्या करेंगे, ये लॉक लेंगे, इसके अंदर स्टैंडिंग पोजीशन पे ले जाने के बाद होल्स मैच करने के बाद हम इसके अंदर लगा देंगे। ये देखो आपके सामने एक ही मशीन से दो तरह के प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका इजी प्रोसेस से क्लिप हो गया, आपने ये सारे कर देने हैं। इसके बाद क्या करना है, ये डंडा लेना है, डंडे को रोटेट कर देना। ये रोटेट करने के बाद आपका ये प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो सर दिन भर में कितने बनके तैयार हो गया? आपके सामने आपने ये निकाला है, आपके सामने आपने ये किया है, तो आप खुद लगा सकते हो 2000 पीस तो कोई भी निकाल सर आसानी से बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा 2000। अब बात करते हैं रेट की, अगर आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो ये प्रोडक्ट कितने का खरीदोगे? सर ये प्रोडक्ट 150 से कम नहीं आने वाला। अब रेट बता दूं? हाँ सर रेट बता दूँ। बिल्कुल सर बताओ। 150 रुपए आपने बोला है सर, 150 से मैं परचेज करती हूँ ना, परचेज करते हो उसका आधा करेंगे तो कितना होगा? अरे सर तो बहुत कम हो गया, 75 हो गया, 75 में भी ना देंगे तो। ये प्रोडक्ट पहली बार ऐसा रेट दूंगा जो आप, मैं कह रहा हूँ दिल्ली घूम लो। हाँ। दिल्ली में आपके पास रिश्तेदार हो जो सस्ते से कम में तो कोई नहीं देने वाला है। मैम 12 रुपए का प्रोडक्ट है, 12 रुपए का डंडा कितना, फ्रेंड्स बिलीव नहीं हो रहा, डंडा कितना ये देखो, लोग कहते हैं डंडा छोटा लगा रहे हैं, अब ये देखो डंडा कितना, साइज भी काफी है, डंडा कितना आपके सामने रिजल्ट है मैम, कितना आ रहा है, मतलब 3.5 फीट, 3.5 फीट का डंडा, फ्रेम हो गया, सब रबड़ हो गई, ये लॉक्स हो गए, ये देखो ये 12 रुपए का डंडा तैयार हो गया। अगर होलसेल में तुमने 80 में भी अगर सेल कर दिया ना तो इसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट है। 20 रुपए नहीं 10 रुपए की चीज पड़ गई लोगों को, 12 रुपए में तैयार हो गया। अब बंदा जितना मर्जी कर रहे डबल कमा ले, 4 गुना कमा ले, 5 गुना कमा ले, लोकेशन के ऊपर है जिस लोकेशन पे जैसा सेल हो। मैम 12 रुपए का डंडा मैं कह रहा हूँ दिल्ली घूम लो नहीं मिलना आपको ये रेट। इसके बाद ये लोहे का वाइपर, ये 250 से 300 रुपए उठाते हो जी, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए का वाइपर है, 40 रुपए में वाइपर तैयार हो जाएगा, ये देख रहे हो 300 रुपए पीस आपको रिटेल मिलेगा।
250 रुपए के प्रोडक्ट किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना तो उसमें प्रॉफिट काफी ज्यादा होता है। और मैम यही तो बात सारी समझानी है, रिटेल में अगर कोई रिटेल में लेकर बेचेगा तो वो कमाई नहीं पाएगा। मैम यही बात समझानी है, लोगों को रेडीमेड प्रोडक्ट्स पे नहीं जाना। जो कोई कहता है ना भाई साहब हमें बने हुए दे दो, बने हुए नहीं लेने, लेना है तो अपना काम करना है, ताकि 12-12 रुपए के प्रोडक्ट को आप 40 रुपए 50 रुपए बेचो, 70 रुपए बेचो, जिसमें आपका मार्जिन ज्यादा हो जाए। बिना बिजली की मशीन है तो बिजली की कॉस्ट नहीं। मशीन तो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, मैंने खुद चलाई है, देखो इसकी वर्किंग तो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो सर मशीन भी तो कॉस्टली होगी। मैम मशीन कॉस्टली नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, इतना अच्छा है तो लग रहा है मशीन भी कॉस्टली होगी। 12,500 रुपए की मशीन दे रहा हूँ, 12,500 रुपए की मशीन दे रहा हूँ। वाइपर के फ्रेम, ये बड़े साइज के वाइपर, ये देखो मैम, ये देख रहे हो ये वाइपर, ये छोटे वाले वाइपर हैं। ये मार्केट में लेने जाओगे तो ये आपको 25 से 30 रुपए मिलेगा, का मिलता है 3.5 रुपए की पीस है ये, 3.5 रुपए का, 3.5 रुपए का। मजाक कर रहे हो, ये कोई मजाक नहीं कर रहा, 3.5 रुपए में फ्रेम दूंगा, रबड़ दूंगा, लॉक ऐसा भी नहीं दूंगा, पूरा 3.5 रुपए में, 3.5 रुपए में हर चीज दूंगा। काफी प्रॉफिट है सर इसमें। मैम प्रॉफिट इसलिए है ताकि आप बना रहे हो, बात पॉजिटिव समझो, सारे बंदों को ये समझाने को कि आप लोग रेडीमेड के चक्रों में मत भागो। जिन्हें ऐसी एक टेबल पे काम शुरू हो जाएगा बिल्कुल, और ये ऐसी मशीनों के रेट बता रहा हूँ, आप अगर कोई भी मेरे से 500-600 पीस इकट्ठे ले लेते और उसको बेच लेते तो मशीनों की कीमतें वापसी आ जाती है। तो मशीन के साथ जीरो इन्वेस्टमेंट के बिजनेस बता रहा हूँ सर। मशीन के साथ क्या क्या देने वाले हैं आप? मशीन की कीमत है 12,500 रुपए की, 20 रुपए वाले पर इस ये लेना है तो ये 12 रुपए, इससे थोड़े मैं मिक्स मैच करके देता हूँ, 20 रुपए वाले 100 पीस का माल ले लो, 2,000 रुपए हो गए, 2,000 और ये 12,500 की मशीन हो गए, 14,500 रुपए लगा के आप ये मशीन काम कर, ये वाइपर का काम कर सकते हो, जिसमें ये मशीन एडिशनल कॉस्ट रहती है। अगर कोई मॉप का काम कर रहा है तो मैंने बता ही दिया था 6,000 रुपए की, नहीं तो 6,000 रुपए की मशीन ये अलग से लेनी पड़ेगी आपको लॉक के लिए, लॉक के लिए बिल्कुल जी। और इसमें कई तरह के वाइपर बना सकते हैं, बिल्कुल आप सारे वाइपर बना सकते हो। ये स्टेनलेस स्टील का बहुत डिमांड है, फ्लेक्सिबल वाइपर हो गए 12-12 रुपए के वाइपर, ये वाले दिखाए 3.5 रुपए के वाइपर, कहीं पे भी मार्केट में पता कर लो 3.5-12 रुपए के वाइपर इतने बड़े साइज के मिल ही नहीं रहे। बॉटल देख के यहाँ पे पड़े हो के आपको समझ ही आ गया होगा ये क्या चीज है। सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के बारे में अभी बात करेंगे। इसमें हमारे पास 4 क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की आइटम, ये 4 आइटम मिल जाएगी, जिसमें सबसे पहला प्रोडक्ट ये आप देख सकते हो टॉयलेट क्लीनर। टॉयलेट क्लीनर का रॉ मटेरियल की बात करें तो ये देखो ये बॉटल्स कैप्स सब हमारे पास अवेलेबल ही है, ठीक है जी, ये आप देख सकते हो बॉटल्स हो गई, कैप्स हो गए, सब हमारे पास आपको मिल जाएगा। सेकंड प्रोडक्ट की बात करें तो ये है हैंड वॉश, जिसको आपको भी पता कोरोना से इसका ट्रेंड आया हुआ, अब तो सब हाथ धोते हैं, ठीक है। तीसरा प्रोडक्ट आपको भी पता है घर सफाई के लिए काम करता है, शीशे साफ करने, किसी ने कुछ भी साफ करना तो उसके लिए ये सफाई के लिए, इसको कहते हैं ग्लास क्लीनर, ठीक है। और फोर्थ प्रोडक्ट ये है आपका, जब हम सुबह उठते हैं पोचे के अंदर पानी को डुबोते हैं, जो है फ्लोर क्लीनर, घर को सफाई के लिए रोज की मर्रा की जिंदगी में ये आइटमें आती है। प्रोडक्ट कितने में होना चाहिए ये मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई करता है तो? मैन्युफैक्चरिंग सर करता है तो 2-3 लाख रुपए तो आप आसानी से मान लो, क्योंकि उनको बोतल परचेज करनी पड़ेगी, सारी चीजें करना पड़ेगा, केमिकल भी 10-20 किलो कोई देता नहीं है, 25 या 50 किलो के ड्रम ही लेने पड़ेंगे, और ये जो स्टिकर है स्टिकर भी छपवाने पड़ेंगे, और बोतल भी आपको कम क्वांटिटी में कोई नहीं देने वाला, नहीं देगा, बिल्कुल सही बात। 2-4 लाख का इन्वेस्टमेंट आप मान, 2-4 लाख। अब रेट बताओ, कोई भी पर्टिकुलर एक आइटम करनी है सिर्फ 2,500 रुपए ले और ले जाओ, 2,500 में 2,500 रुपए ले आओ, जिसके अंदर बोतल भी दूंगा, माल भी दूंगा, सारा कुछ दूंगा, और कितना कितना सर, कितने पीस का माल दूंगा ये सुनो, हम उसके अंदर 2,250 ले आओ, 2,500 रुपए ले आओ, जिसके अंदर हम ऐसे 300 से 350 बोतल का मटेरियल दूंगा, 350 बोतल, 300 से 350 बोतल का मटेरियल दूंगा। आप बोतल की कॉस्ट समझ लो, ये देखो बोतल की कॉस्ट दिखा दो, ठीक है भैया, लोकल भी आती है ना, ये क्या एमआरपी है? लोकल भी 70-80 की आती है सर, ये 90 रुपए एमआरपी है, 90 रुपए एमआरपी। अगर मैं 300 से 350 पीस का माल दे रहा हूँ, 90 रुपए एमआरपी के हिसाब से हो गया 30,000 से 35,000 का माल, बंदे ने कितने लगाए?
ढाई हजार रुपए बंदा लेकर हमसे माल कितने का जाएगा, 30,000 से 35,000 रुपए का। अब इससे ज्यादा तो भैया बैंक भी नहीं देता, नहीं अब देता। और क्या सर, चाहिए तो सर 2,500 लगा के 30-35,000 रुपए कमाने को मिल रहा है, बैंक देगा इतने पैसे? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं बिठा नहीं है, कुछ भी नहीं बिठाना। और एक और बात, इनके लिए मशीन भी नहीं चाहिए, बिना मशीन के ये प्रोडक्ट तैयार होगा, सिर्फ और सिर्फ पानी से, जो हम घर पे पानी पीते हैं ना उससे ये प्रोडक्ट तैयार करो। अगर कोई कहता है मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं, इसमें लोग कहते हैं कि रॉ मटेरियल हर विशेष, आप भी वीडियोस भी बनाते हो तो नीचे कमेंट आते हैं रॉ मटेरियल कौन देगा, रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल तो चाहिए ही नहीं, कौन क्या देगा, घर पे पानी आ रहा है, दे रहे सब, पानी सबके पास आ रहा है, पानी से बना लो ये रॉ मटेरियल। हम टॉयलेट क्लीनर पानी से बना सकते हैं, हम ग्लास क्लीनर सिर्फ और सिर्फ पानी से बना सकते हैं, सिर्फ पानी से। तो सर बताएं ये कैसे बनता है, आपने बताया पानी से बनता है। मैम ये देख रहे हो ये कितने रुपए की आइटम है, ये 6 रुपए की आइटम है, 6 रुपए की आइटम ये देख रहे हो, ये 500 ml का, 500 ml मतलब आधा लीटर का ये आपको कंटेनर मिलेगा हमारे पास से, ये आपको कंटेनर कई सारे अवेलेबल हो जाएंगे, ये आप रॉ मटेरियल देख ही रहे हो। हमने क्या करना है 6 रुपए का ले, ये लेके इसके अंदर डाल देना, डाल दिया ये लो, ये डाल दिया हमारे को, कितना जरा सा है, जरा सा है बिल्कुल। अब आ जाओ पानी पे, मैंने बोला था ना पानी, हाँ। ये हमारे पास पानी है, हाँ। ये हम पानी इसको भर देंगे, हमने पूरा 500 ml बनाना है तो पूरा भर देना, ठीक है ये। मैम कोई भी कुछ भी छुपा नहीं रहा, कुछ भी नहीं, सब रिजल्ट आपके सामने, 500 ml का बना रहा हूँ, एक बॉटल बना के आपको दिखा रहा हूँ, 6 रुपए में 500 ml बन के तैयार हो रहा है, बना दिया, हाँ सर ये हो गया, इजी हो गया। हाँ। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें से डिस्पेंसर ले लेना है, ये ले लिया हमने, हम इसके अंदर डाल देंगे ग्लास क्लीनर जो शीशे को चमकाता है। मार्केट में सर कितने में सेल हो गया, यानी ये तो 6 रुपए का। अब आपको पहले इसका रिजल्ट दिखाता हूँ, ये रिजल्ट क्या बना है मैम, ये देख रहे हो रिजल्ट, देख रहे हो सामने बनाया है, मैंने खुद चेक कर रही हूँ, अब इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं, देख रहे हो पहले तो ये क्वालिटी देख लो, बड़ी ब्रांड की तरह बन गया है, बड़ी साफ हो गया। इसके बाद स्प्रे की क्वालिटी देख लो, झाग देखो, बड़ी ब्रांड की तरह बन रहा है, हाँ सर बिल्कुल बन रहा है, क्लीनिंग बहुत अच्छी हो रही है, बिल्कुल साफ आपके सामने, देखो रिजल्ट आपके सामने है, कोई छुपा नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा मैम, सिर्फ पानी डाल के बनाया है, रिजल्ट आपके देखो, जितना मर्जी आप देखो, पूरा साफ करो, ये लो साफ हो गया, जबकि ये तो ओपन में है तो ग्लास काफी गंदा था, देखो क्लीनिंग देखो आप मैम, रिजल्ट आपके सामने आएगा, चीज उनको सामने बताऊंगा, कोई भी टेक्निकल कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ पानी डालना है, बिना मशीन के प्रोडक्ट तैयार है। बात करें अगर हम प्रोडक्ट की, ये देखो रिजल्ट आपके सामने, सारी चीजों का शीशा पूरा साफ हो गया, हमारा चेहरा दिख सकता है बिल्कुल आपके सामने, बिल्कुल आपके सामने रिजल्ट आ गया, देख सकते हैं इसमें, बिल्कुल आपके सामने रिजल्ट आ गया, देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 500 ml की बॉटल हमारी 6 रुपए में तैयार हुई है, जिसमें बॉटल वॉटल के अगर खर्चे भी मिला लेते हो तो ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ 23 रुपए में चालू बन गया, 23 रुपीज में 500 ml की बॉटल आपको तैयार हो गई, 80 रुपए का सिर्फ आराम से सेल होगा, 80 रुपए का ये आपको आराम से तैयार होगा। तो सर ये सारे प्रोडक्ट ऐसे ही पानी डाल के बनेंगे? बिल्कुल ऐसे ही पानी डाल के आपके बनेंगे सारे की, अगर हम बात करें बॉटल के साथ तो 23 रुपए, 23 रुपीज से लेके हमारे पास आप लगा लो 27-28 रुपए, ये प्रोडक्ट थोड़ा महंगा तैयार होता है हैंड वॉश, बाकी सब 23 रुपए से 25 रुपए में ये तैयार होता है। अगर बात करें हम अंदर केमिकल की तो सिर्फ 6 रुपए का, 6 से 9 रुपए का केमिकल आप लगा के ये प्रोडक्ट आप तैयार कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी आपने गजब के प्रोडक्ट देखे, गजब की मशीनें, गजब का बिजनेस, जबरदस्त बिजनेस होने वाला है, ठीक है। तो सर 2,500 में आप क्या दे रहे हो, पूरा बोतल और केमिकल सारा कुछ दे रहे हो? किसी क्या? भी कोई भी बंदा आए, 2,500 रुपए किट का रेट है, कोई भी बंदा आए, ये प्रति एक किट का रेट है, मतलब एक आइटम को आपको 2,500 रुपए देने, जिसके अंदर हम आपको 300 से 350 बोतल का, मतलब 500 ml की जितनी बोतल तैयार हो जाए उतना मटेरियल दे रहे हैं, डेमो बेस में, ट्रायल बेस में 50 बोतल और 50 डिस्पेंसर दे रहे हैं। अगर उसके बाद आप यूज करके
50 के बाद आप ज्यादा ले सकते हो हमसे। तो हम डेमो बेस में वो जो 2500 रुपए ले रहे हैं उसमें 300 से 350 बॉटल का अंदर केमिकल का माल दे रहे हैं और 50 बॉटल और डिस्पेंसर एज अ डेमो दे रहे हैं। इसके बाद 2500 रुपए अगर कोई लगाता है तो अपना ग्लास क्लीनर जो मैंने प्रोडक्ट दिखाया, 2500 रुपए आपका हैंड वॉश, 2500 रुपए टॉयलेट क्लीनर और 2500 रुपए आपका फ्लोर क्लीनर, कुल मिला के हो गया 10000 रुपए। अगर कोई बंदा हमसे ये चारों प्रोडक्ट लेता है तो उसको 10000 रुपए नहीं लगाने। कोई पर्टिकुलर काम करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल ये दो का कर रहा है या ये दो का कर रहा है, तो उसको 2500 रुपए 5000 करने हैं। अगर उसने ये चारों प्रोडक्ट करने हैं तो उसने सिर्फ और सिर्फ हमें देने हैं 8500 रुपए। 8500 रुपए में हम आपको चारों का माल देंगे, चारों की 50-50 बॉटलें देंगे, चारों के 50-50 डिस्पेंसर देंगे, इसके साथ सबका 300 से 350 बॉटलों, 500 ml की बॉटल, मतलब 300 इसका 300 इसका 300 इसका 300 इसका, मतलब अगर हम चार से करें 1200 बॉटलों का मटेरियल दे रहे हैं साथ में। 8000 रुपए लगाएगा, 1200 में अगर 100 भी कर रही है तो 120000 रुपए का मटेरियल हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 8000 रुपए में। तो अगर आप इस बिजनेस को करना चाहती हैं तो वीडियो के नीचे डिस्कशन बॉक्स में नंबर है, स्क्रीन पे भी चल रहा है, तो फटाफट कॉल करें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ नए बिजनेस आइडिया में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।